हैं राजधानी भोपाल का, हम अब रुख कर लेते हैं जितेंद्र का, रुख करते हैं जितेंद्र, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं वहां पर, कितना उत्साह है? क्योंकि जबलपुर की अगर हम बात करें, वहां पर थोड़ी अलग तस्वीरें हमने देखी, जैसे कि माता को विदाई जो है वहां पर दी जा रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंदौर की, मिथिलेश ने जो तस्वीरें दिखाई कि रावण की पूजा वहां पर की जाती है, भोपाल की क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए अगर हम भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी विजयदशमी का जो पर्व है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, और सबसे आकर्षण का जो केंद्र होता है खासतौर पर अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, तमाम लोगों की, तो दशानन का जो पुतला दहन किया जाता है वो कहीं ना कहीं आज भी तमाम लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर शुरू हो गई हैं। शाम के समय जो रावण के पुतले हैं इनको खड़ा किया जाएगा। रावण के पुतले के अलावा मेघनाथ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुंभकर्ण, ये तीन पुतले जो हैं वो खड़े किए जाते हैं। छोटी सी रामायण का जो भाग है वो भी दिखाया जाता है। राम और रावण का युद्ध भी होता है जिसे कलाकार प्रस्तुति देते हैं। उसके बाद रावण वध का जो दृश्य है वो दिखाया जाता है, और उसके बाद जो दशानन का पुतला है जिसको सबको देखने का कहने का एक आकर्षण होता है वो यहाँ पर वध किया जाता है। तो देखिए अपने आप में जो परंपराएं बनाई गई हैं शुरुआती दौर से, उनका निर्वहन आज भी उसी परंपराओं के आधार पर होता है जैसा कि हम शुरुआत से देखते हुए आ रहे हैं। और आतिशबाजी की भी यहाँ पर हमने देखा है कि आतिशबाजी भी काफ़ी अच्छे से होती है, लेकिन अगर हम इस पूरे परंपराओं को समझें या पूरे इस कार्यक्रम को समझें तो कहीं ना कहीं ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि संदेश क्या निकल कर आ रहा है, मैसेज क्या निकल कर आ रहा है। तो मैसेज शायद यहाँ पर यही निकल कर रहा है कि लोगों को अपने मन के अंदर की जो बुराई है उसको खत्म करना है। यानी कि अगर अब दशानन के पुतले का दहन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम जो अपने मन के अंदर की बुराई है उसका कहीं ना कहीं हम खत्म कर रहे हैं, और जो अच्छाइयाँ थी वो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना, उन अच्छाइयों को आपको लेना है। हम रावण को सिर्फ इसलिए जलाते हैं क्योंकि भगवान राम ने वध किया था, सीता जी का हरण किया था, लेकिन जो अच्छाइयाँ थी रावण में अगर हम बात करें तो प्रकांड पंडित, चारों वेदों के ज्ञाता, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो रावण में ऐसी बहुत सी खूबियाँ थी जिसमें धर्म का प्रचारक भगवान भोलेनाथ के लिए जिस प्रकार से जो उन्होंने शिव तांडव के रचिता रहे हैं, शिव तांडव को लिखा है, तो जो अच्छाइयाँ थी कहीं ना कहीं उसको आपको अपने जीवन के अंदर ग्रहण करना है, और जो बुराई थी रावण की अंदर की उन बुराइयों को इस पुतले की माफिक कहीं ना कहीं जला देना है, खत्म करना है। तो कहीं ना कहीं जो विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है वो इन्हीं उद्देश्यों के साथ मनाया जाता है कि संसार के अंदर लोगों को अपने अंदर की जो बुराई है उसको खत्म करना है, जो अच्छाइयाँ हैं उसे कहीं ना कहीं अंदर रखना है। तो आज राजधानी भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले जलाए जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग जो प्रथाएं हैं वो देखने को मिलेगी। हाल ही में हमने जैसे कि न्यूज स्टेट ने दिखाया था कि विदिशा के पास में जिस प्रकार से रावण का पूरा गाँव बना हुआ, एक रावण करके गाँव है जहाँ पर लोग आज भी वहाँ पर रावण की पूजा करते हैं, और वहाँ पर ऐसा मान्यता है कि जो प्रतिमा लेटी हुई है वहाँ रावण खुद आकर लेटे थे क्योंकि गाँव वालों को देवताओं से बचाया था, तब से वहाँ पर वहाँ रावण की पूजा होती है। अलग अलग आप क्षेत्रों में जाएंगे, चाहे सही कहा आपने कि अलग अलग जहां पर भी जाएं, जिस भी शहर में जाएं, अलग अलग तरीके से जो त्योहार को सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। जितेंद्र आपने बहुत ही सही बात कही कि बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि रावण में खूबियां भी थी, क्योंकि हर बार बुराइयों को देखकर लेकर ही रावण को दहन किया जाता है, रावण दहन किया जाता है, लेकिन खूबियां बहुत शायद बहुत कम लोगों को पता होती है। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, विनोद का रुख करते हैं। विनोद, ग्वालियर में क्या तस्वीरें हैं और कितना अलग इस बार का दशहरा मना रहे हैं लोग? देखिए अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो विजयदशमी पर्व एक ऐसा त्यौहार है जिसे न केवल ग्वालियर में बल्कि पूरे देश, यूं कहें कि संसार में लोग बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। एक ऐसा पर्व है जो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। एक ऐसा पर्व है जिसमें अत्याचार और अपराध के खिलाफ भगवान श्री राम ने जो युद्ध लड़ा उसमें विजय हासिल की, उस रूप में मनाया जाता है। तो वही परंपरा और रीति रिवाज हमारे धार्मिक साहित्यों में, हमारी धार्मिक परंपराओं में आज भी उसी रूप में हम देखते हैं। ग्वालियर एक ऐतिहासिक शहर है और इस ऐतिहासिक शहर में दो अच्छे दृश्य देखने को मिल सकते हैं दिन में, जो थोड़ी देर बाद शुरुआत हो जाएगी। एक तो ये कि यहाँ परंपरागत अनुसार वीरांगना लक्ष्मीबाई का ये युद्ध स्थल रहा है जहाँ उनकी शहादत हुई थी। तो उनके समय जब 1857 की क्रांति हुई थी तो जिन अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था उस युद्ध में, उनकी शस्त्र पूजा होगी, अस्त्रों की पूजा होगी, थोड़ी देर बाद वो हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ का जो राजशाही परिवार है, सिंधिया परिवार, वो परंपरागत अनुसार राजशाही वेशभूषा में दशहरा का पर्व मनाता है, अपने देवोत्थान पर पूजा करने जाते हैं, उसके बाद शाम को वो शमी वृक्ष की पूजा करते हैं और पूरी पोशाक उनकी वही राजशाही होती है सिंधिया परिवार की, जो राजघराने में पहले राजतंत्र के समय पहना करते थे, जिसमें
एक राजशाही टोपी होती है, पोशाक होती है, तलवार होती है, तलवार के साथ साथ तमाम उनके दरबारी साथ में चलते हैं, तो वो दृश्य यहाँ पर ग्वालियर में देखने को मिलती हैं। क्योंकि एक ऐतिहासिक शहर है तो परंपराएं यहाँ आज भी उसी रूप में विराजमान है। रही बात आज के दिन की इस पर्व की, तो पिछले 2-3 साल से लोग परेशान थे, लोग त्यौहार और पर्व नहीं मना पा रहे थे, क्योंकि कोविड एक बुरा दौर हम सभी लोगों ने देखा। उसके बाद इस बार बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास खुशी के साथ लगभग 500 से ज्यादा जगह पर रावण का दहन किया जाएगा, कहीं छोटे कहीं बड़े, लेकिन जो बड़ा रावण है वो यहाँ दर्पण कॉलोनी के थाटीपुर एरिया में और दूसरा रामलीला मैदान जो फूलबाग पे हो रही है वहां होगा, जहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और रावण का दहन देखते हैं। तो ये 2-3 बड़े कार्यक्रम आज शहर में होने वाले हैं जो सबका ध्यान खींचते हैं। वाकई में एक ऐसा पर्व जिसे हर्षोल्लास के साथ आज से नहीं बल्कि त्रेता युग से ही मनाते चले आ रहे हैं, और तमाम जानकार इस बात को कहते भी हैं कि जब जब अच्छाई होगी बुराई किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है, और उस बुराई को समाप्त करने के लिए ही ये हमारे पर्व और त्योहार हैं, ताकि लोगों के मन में एक अच्छाई की भावना प्रकट होती रहे और बुराई का अंत होता रहे। बिल्कुल सही कहा आपने कि बुराई का अंत होता रहे, और इसी वजह से यही कारण है कि विजयादशमी का जो पर्व है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अगर बात मिथिलेश, अगर चूंकि आपने जो तस्वीरें दिखाई वहां पर लोगों का कहना है कि रावण में बहुत सारी खूबियां भी थी, इसी वजह से उनको आज पूजा भी जाता है, विदिशा का जैसा कि जिक्र भी जितेंद्र ने किया, लेकिन और क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, और साथ ही शाम को जो पर्व वहां पर मनाया जाएगा उसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? हाँ देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो आज इंदौर में लगभग 300 बड़े जहां पर आज दशहरा का पर्व मनाया जाएगा, रावण दहन किया जाएगा। सबसे बड़ा कार्यक्रम इंदौर के दशहरा मैदान में किया जाएगा, और हर साल इंदौर के दशहरा मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाता है। असत्य पे सत्य की जीत है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, और आज जगह जगह पे आज रावण के पुतले बिक रहे हैं और जबरदस्त उत्साह देखने को भी मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने बताया कि बहुत खूबियां थी रावण के अंदर, और सबसे बड़े शिव भक्त थे, शिव भक्त के रूप में इन्हें देखते हैं, रावण को देखते हैं इन लोग, इसलिए शिव भक्त के रूप में उनकी यहाँ पे प्रतिमा को स्थापित किया। और सिर्फ यहाँ इंदौर के लोग ही नहीं, हम सब यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे हमें त्रिपुरा से भी कुछ परिवार के लोग आए थे और यहाँ पे दर्शन करते हुए मिले। तो उनका ये कहना था कि रावण के मंदिर से उन्होंने आए थे तो यहाँ उनकी कुछ मनोकामना लेकर आया, तो उनकी मनोकामना पूरी हो गई, और तभी से यहाँ पे चला रहे कि जो आसपास के लोग हैं कुछ न कुछ मनोकामना लेकर रावण के मंदिर पहुंचते हैं, और बाकायदा रावण की यहाँ पे पूजा पाठ अर्चना की जाती है। लोग रावण को यहाँ पे उनके जो शिव पंडित है या शिव भगवान की जो सबसे बड़े पुजारी उनके रूप में यहाँ पे लोग उनका पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ मोहल्ले के भी कुछ लोग इनसे पूछते हैं कि यहाँ भगवान शिव की तरह इन्हें पूजा जाता है, कि उनको जो शिव के जो सबसे बड़े पुजारी माने जाते हैं रावण। ऐसा है कि मतलब बहुत सारे लोग आए बाहर से देखने मंदिर को, बहुत सारे लोग आए, उन वो लोग कुछ मांग भी रहे हैं, सब कुछ हुआ है, लोग आते हैं जाते हैं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम शिव की तरह उनको बहुत अच्छे से पूजते हैं। और आज के दिन लोग रावण जलाते हैं, वैसे हमें अच्छा तो नहीं लगता है, हम बहुत सारे लोगों को हम हाथ जोड़ के उनके मना भी करते हैं कि मत जलाओ। तो क्यों नहीं अच्छा लगता आपको? रावण तो बुराई है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, रावण दहन का ही मतलब है कि बुराई को समाप्त करना। रावण कैसे बुरा होगा? बातें करें तो बहुत सारी है कि उन्होंने अच्छाई करी है, बहुत सारी अच्छाई है। जैसे कि अपन मान लो कि सीता माता को तो हाथ भी नहीं लगाया, हाँ उन्होंने हाथ करा है, पर वो भी एक बहन के लिए। आज से अपन को अपने कल से कोई माँ बहन को कुछ भी बोलता है तो अपन भी पलटवार करते हैं, भले वो भले अपनी बहन। तो देखिए अलग अलग मानता है, अलग अलग विचार है, विचार हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो तस्वीरें हैं हम आपके माध्यम से देख पा रहे हैं, न्यूज स्टेट अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें दिखा रहा है आज के खास मौके पर। आप सभी सहयोगी आप बने रहिए, क्योंकि बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।